महानगरपालिका में जो डाकू लोग बैठे हैं, क्योंकि भिवंडी शहर का जब हम रोड टैक्स देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी जब हमारे को नहीं चलता तो हमारा रोड टैक्स का को लेते हैं। जब हम इतने बड़े बड़े खड्डे से गिरने का, आज मैं बाइक से गिरा है, यहाँ की खाली हालत नहीं है, पूरे भिवंडी की हालत है। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से अबूसामा खान ने ईगल कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। अबूसामा खान का आरोप है कि भिवंडी शहर में जिस तरीके से ईगल कंपनी सड़कों का काम ले रही है, उसमें ठीक कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि वो अपना काम कर रही है मगर उसमें चेंबर जो जगह जगह ऊँचे रह रहे, जिसकी वजह से कितने एक्सीडेंट हो रहे, कितने लोगों के साथ घटना घट लिया। अबूसामा खान ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई कि भिवंडी शहर में इसी तरीके से ईगल कंपनी में जगह जगह अपना काम कर रही है मगर उस काम में लापरवाही देखने को मिल रही है। अबूसामा खान ने भिवंडी शहर महानगर पालिका पर भी गंभीर आरोप लगाया। भिवंडी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष अबूसामा खान ने और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जय भीम, जय संविधान। तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, भिवंडी शहर में PWD का जब से काम चालू हुआ है 3 साल हो गए हैं। ये 3 सालों में अभी तक कई कई रोड बना है, बाकी के जो भी काम ये लोग ने किया है, ये अभी मेरा जो ऑफिस है बहुजन समाज पार्टी का, उधर पे अभी आज मैंने बाइक लेके गिरा है और वहाँ पे इतना ऊंचा उस लोग ने ड्रेनेज लाइन का जो किया है, इतना ऊंचा रखा है, कई महिलाएं गिरती है। और मैंने इसके पहले कई पत्र दे चुका है महानगर पालिका को, अपना प्रभाग नंबर 4 को, यहाँ पे कई लोगों महिलाएं आती जाती है, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो इसका जवाबदार क्या महानगर पालिका होगी? और PWD ईगल जो कंपनी है, ये ऐसा काम कर रही है, ये जो है भूसे से काम कर रही है। और ये मैं दावे से, और महानगर पालिका जो हमारे आयोग साहब है, मैं उनको दिखा सकता हूँ कि ये भूसे से काम हुआ है। और मैं ये मांगनी करता हूँ सरकार से कि इनके बिल को रोका जाए ईगल कंपनी की, क्योंकि ये लोग ने पूरा 3 साल के अंदर कई जगह के रोडों को खराब किया है, कई लोग गिर के मर गए हैं, कई लोग कुछ भी हो गए। आज इतनी खस्ता हालत है भिवंडी की, जैसे हमारा 60 साल पहले गाँव था ना, वैसा आज भिवंडी शहर है। और ये इसकी जवाबदार जो है महानगर पालिका है। महानगर पालिका में जो डाकू लोग बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज जो है भिवंडी शहर सुधरा नहीं, तो महानगर पालिका को, पूरे भिवंडी जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि कोई घर पट्टी और कोई नल पट्टी नहीं भरना, क्योंकि भिवंडी शहर का जब हम रोड टैक्स देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी जब हमारे को नहीं चलता तो हमारा रोड टैक्स का को लेते हैं। जब हम इतने बड़े बड़े खड्डे से गिरने का, आज मैं बाइक से गिरा इधर पे, ये हालत है यहाँ पे, ये यहाँ की खाली हालत नहीं है, पूरे भिवंडी की हालत है। ये पागल बनाते हैं हम लोग को, ये ऐसा करते ही बोलते बन जाएगा रोड, अभी आप लोग कर रहे हैं, आपको खोदते तो हम कर देंगे। और ड्रेनेज लाइन जो हिसाब से डाले, वो ड्रेनेज लाइन के ऊपर 10 टन की क्षमता होना चाहिए, कोई 10 टन की गाड़ी की क्षमता है, भूसे से काम किए, अगर वो दब जाएगा, कोई मर जाएगा, तो उसकी जवाबदार कौन होगा? महानगर पालिका आयोग साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, आयोग साहब जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसकी जांच किया जाए। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो हम जो है आगे का जो भी रहेगा धरना प्रदर्शन का, बहुत अपने हिसाब से किया जाएगा। अलजीआई स्कूल अजंता डाइंग का इलाका लगता है इसको, जो है माधवनगर भी बोला जाता है और अपना अमीना कंपाउंड भी बोला जाता है। तो ये जो पूरे है, तो इसका ड्रेनेज लाइन जो है, जो इतना ऊंचा करके रखी है वो लोग ने, जो उसके चेंबर लगाए है वो लोग ड्रेनेज लाइन के, इतना ऊंचा करके रखे, उसमें महिला मैंने परसों के दिन देखा, चलते चलते वो ठोकर खा के गिर गई, उसकी नाक पे लग गई मार, उधर नाक उसकी फूट गई। हाँ, ये महानगर पालिका मतलब पूरी जनता को मारने के पीछे PWD को और ईगल कंपनी को दे करके ये काम, ये इतना बड़ा करप्शन है कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा करप्शन हो रहा है शहर के अंदर। और मैं महानगर पालिका को बार बार आयोग साहब से ये मांगनी करता हूँ, ये लाइट का मैंने 3 बार दिया, यहाँ पे कई एक महिला की चैन जल जा चुकी है। मैंने जब इसके पहले जब अपना महानगर पालिका के कमिश्नर साहब थे, उनका डेट हो गया, मेरे जो नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, वो उसके पहले भी उनको भी मैंने पत्र दिया था, मैंने पत्र इसके पहले के कमिश्नर को भी दिया था कि यहाँ का लाइट का बंदोबस्त करो। जब हम कोई अर्जी देते हैं तो हमको बोलते हैं PWD का काम चालू है, 3 साल से PWD का काम चालू है और रोड बनने का काम नहीं चालू है। जो कि केंद्र सरकार ने इनको लॉकडाउन में दिया था ऑर्डर कि जो है कि काम कर सकते हैं आप लोग, मगर ये लोग ने काम नहीं किया, ये लोग ने सिर्फ जो है जो अपना अपना कोना देख करके, अपना अपना जो भी सिस्टम देख करके, बाकी पूरे भिवंडी की ऐसी हालत है कि चलना दुश्वार है, कपड़ा पहन के निकलो तो कपड़े में कीचड़, इस पे कीचड़, गिर जाओ मर जाओ, ये कौन सी कहानी, क्या करके रखे भिवंडी, 60 साल पुराना हमारा गाँव जो था ना, आज ये भिवंडी की हालत हो गई है।
बार बार यही कहना चाहता हूं महानगर पालिका के आयुक्त साहब को कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।